हमारे यहाँ झाड़ू की महत्वता कही, जो झाड़ू होती है बुआरी होती है, जिस झाड़ू को अपन झाड़ते हैं, ये महाराज तीन जगह पर नहीं रखना चाहिए। कितनी जगह पे नहीं रखना है? तीन जगह। पहला, जिस कमरे में पति पत्नी दोनों सोते हो उस कमरे में झाड़ू कभी मत रखना, क्योंकि पति पत्नी में क्लेश बना ही रहेगा, आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहेगा। जिस कक्ष में पति पत्नी सोते हो रहते हो उस कमरे में झाड़ू कभी नहीं होना चाहिए, बुआरी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस कक्ष में हॉल में लोग आकर बैठते हो और वहां कोई सोफा सेट लगा हो, कोई पलंग लगा हो, उस पलंग के नीचे, उस सोफे के नीचे झाड़ू नहीं होना चाहिए। सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं रहता, विवाद होगा ही, ये पक्का। तीसरा, अन्नपूर्णा का स्थान जहां पर भोजन बनता है, आप भोजन करते हो रसोई घर में, झाड़ू नहीं होना चाहिए। कारण, बच्चों में क्रोध आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति बनी रहेगी, और बेटा और बेटी संबंध आप करना चाहते हो समाज में, और बच्चे गलत जगह पर संबंध करने के लिए आतुर रहेंगे, इसलिए रसोई घर में फुहारी झाड़ू नहीं होना चाहिए। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है, मेरे देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के भ्रमण का समय, भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकलते हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को पाला ही पाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना, मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ, मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा। तब पार्वती माता ने कहा, अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माता चूड़ी बदल रही होगी, हाथ चूड़ी निकाल रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ, मांग भर रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ, उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ, उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को वहाँ कैसे भेज सकती हूँ, आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा, प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं, अगर आपके यहाँ संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं, शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा, बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहे तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार बार दिया लगा दो, पर शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, शंकर भगवान को याद कर अपनी कामना कर बाबा का स्मरण कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर लक्ष्मी हो जाए, नारायण हो जाए, राम हो जाए, कृष्ण हो, स्मरण कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो, उस सुने का जरूर आएगा तो उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाए। नियम तो बनाओ, उसकी चौखट पर जाकर कहना प्रारंभ। बृहस्पति महाराज ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर इंद्रदेव तुम शंकर जी की आराधना करो, शिव आराधना से शंकर जी जो मार्ग प्रशस्त करेंगे, शिव आराधना से जो शंकर जी कहेंगे वो तुम करना, आराधना करी बाबा भोलेनाथ जी।
बृहस्पति महाराज ने प्रदोष की महत्वता समझाई तो प्रदोष का समय जानकर शंकर जी पर पाप बिल पत्र प्रदोष के दिन इंद्र ने समर्पित कर दी बिना सोचे। कितनी बिल पत्र प्रदोष का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बिल पत्र को उठा लो, बिल पत्र का ब्रह्म कमल बना लो। ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां रहे। सात पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर जैसे ये पत्तियां हैं एक जैसी रखी हुई हैं, तो इसको फैला लिया, सात पत्ती को आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बना लिया। प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, बाबा मेरा ये कार्य है, बोल कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर शिवलिंग पर समर्पित दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्र समर्पित करने पर ही प्रदान कर देता है। प्रदोष व्रत कर रहे हो उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं, पर नहीं कर रहे तो प्रदोष के दिन या बारह महीने शिवरात्रि आती है, शायद आज भी हो, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि शिव जी को रिझाओ। श्री शिवाय नमस्तु भ्यम, श्री शिवाय नमस्तु भ्यम, श्री शिवाय नमस्तु भ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, आज के इस वीडियो में गुरुजी ने झाड़ू से संबंधित कुछ नियम बताए। आप अपने घर में झाड़ू रखते हैं, झाड़ू निकालते भी हैं, उससे संबंधित गुरुजी ने कुछ नियम बताए हैं। अगर आप ये नियम अपनी जिंदगी में धारण करते हैं तो आपके घर में ना तो संपदा की कमी रहती है और आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता। पहले तो गुरुजी ने झाड़ू रखने के नियम बताए। आपको कभी भी अपने बेडरूम में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। दूसरा, आपको अपने लिविंग रूम में जहाँ पर आपके गेस्ट आकर बैठते हैं, सोफा सेट वगैरह लगा होता है, वहाँ पर कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। और तीसरा, अपने किचन में आपकी जो रसोई है जहाँ पर आप खाना बनाते हैं, वहाँ पर आपको कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। झाड़ू रखने का सही उचित स्थान है वो है आपका स्टोर रूम, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। दूसरा, गुरुजी ने बताया है कि आपको झाड़ू कब निकालना चाहिए। कभी भी संध्या टाइम में, शाम के समय, प्रदोष काल में आपको झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। झाड़ू निकालने का उचित समय है दोपहर से पहले। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में संपदा की कमी ना हो, लक्ष्मी जी का प्रवेश हो, तो आप भी अपने जीवन में झाड़ू से संबंधित ये नियम अपना कर रखें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं और महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट में महादेव का एक नाम जरूर लिखें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।